गैरी वाइनचुक द्वारा क्रश इट वह किताब है जो हमें उन पैशंस को पूरा करने का सही समय सिखाती है और जो हम प्यार करते हैं उसे करते हुए जीवन यापन करते हैं। अब अपने पैशन को समझने का सही समय है। गैरी वाइनचुक अपनी हिट किताब में हमें दिखाते हैं कि अपने रियल इंटरेस्ट्स को इनटू रियल बिजनेसेस में बदलने के लिए इंटरनेट की शक्ति का उपयोग कैसे करें। आज हम जिस किताब से सीखेंगे उसका नाम है क्रश इट, जिसे गैरी वाइनचुक ने लिखा है। गैरी वाइनचुक एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने चार कमाल की सफल बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, साथ साथ वो वेनमीडिया के कोफाउंडर और सीईओ भी हैं। वो एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं और उनकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत डिमांड है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग का इतिहास के साथ उनका ध्यान इंटरनेट, सोशल मीडिया और हमेशा बदलते हुए डिजिटल वर्ल्ड पर है। क्या आपका कोई शौक है जो आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन कर सके? कोई जुनून जो आपको रात को जगाए रखता है? तो आप परफेक्ट समय है उन पैशन को लेकर, आप जिसे प्यार करते हैं उसे करते हुए पैसा कमाने का। अपने पैशन को कैश करने का ये परफेक्ट समय है। ये बुक आपको बताएगा कि कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी असली हॉबीज को असली बिजनेस में बदल सकते हैं। ये किताब उन सब के लिए बेहतरीन किताब है जिसका कोई जुनून है और वो अपने जुनून को ही अपना काम बनाना चाहते हैं। इस किताब में आपके सपनों को सच बनाने की बात गई है और ये मुमकिन है कि आप सुबह उठे और वो करें जिससे आपको प्यार है। ये किताब उनकी बहुत मदद कर सकती है जो इंटरनेट का एक प्लेटफॉर्म की तरह पूरा फायदा लेना चाहता है, एक बिजनेस को खड़ा करने और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। आप इस छोटी स्टेप बाय स्टेप गाइड की मदद से सीखेंगे कि कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं और कैसे अपने पैशन को अपना कैरियर बनाएं। जुनून और सफलता, क्रश इट। यहाँ तीन सुनहरे नियम हैं। अपने परिवार को प्यार करें, बहुत मेहनत करें, अपने जुनून पैशन को जिए। बात सिर्फ पैसे और बिजनेस के साइज की नहीं है, सच्ची सफलता खुशी से आती है। आप जो करते हैं अगर आप उससे प्यार नहीं करते हैं तो आप भी सिर्फ एक फॉलोअर, वर्कर या बिजनेस की दुनिया के आम आदमी है। आपको वो ढूंढना है जिसके लिए आप पैशनेट है, कुछ ऐसा जिसके लिए आप जीना और सांस लेना चाहते हैं, वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से कूद कर उठा सकती है, जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है और आपको सुरक्षा की गारंटी देती है। इंटरनेट ने ये हर किसी के लिए संभव बनाया है कि वो खुद से 100% सच्चे हो सके और जिसे वो प्यार करते हैं उसे पर्सनल ब्रांड बनाकर अच्छा पैसा बना सके। व्यक्तिगत ब्रांड। आपका पर्सनल ब्रांड आपका शुरुआती बिंदु है। बिना एक क्रिएटिव और आकर्षक पर्सनल ब्रांड के आप अपने पैशन से पैसा बनाना शुरू नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपको जाने। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा बनाए जो आपको भीड़ से अलग करे, उनसे भी जो एक जैसा प्रोडक्ट, सर्विस, कंटेंट बेच रहे हैं। आपको अपने पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल करना है जिसके लिए आपके ग्राहक कस्टमर ज्यादा के लिए वापस आते रहे। आपको ये पता लगाना है कि आप खुद बाजार तक कैसे जा रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचना है। जो शर्मीले और बंधे हुए हैं वो वीडियो और पॉडकास्ट पर शायद ना आ पाए, पर वो अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं। पता लगाए कि आपको क्या सबसे अच्छा सूट करता है। बढ़िया कंटेंट बनाए। क्रश इट समरी। वो लोग जो इंटरनेट के सभी शोर और डिस्ट्रैक्शन से घबराते हैं वो रिलैक्स कर सकते हैं। क्वालिटी एक बहुत बड़ा फिल्टर है। आप चाहे कितने भी कप कॉफी डालें, क्रीम हमेशा ऊपर आ जाती है। उन चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है जिनसे आप प्यार करते हैं। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप अपने जुनून के बारे में बात करते हैं तो आप भरोसेमंद होंगे और लोग आपसे एक जुड़ाव महसूस करेंगे। दो जरूरी चीजें हैं जो आपके पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल करके सोशल मार्केटिंग की दुनिया में एक बिजनेस बनाती है, वो है प्रोडक्ट और कंटेंट। एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। सामग्री, कंटेंट। कंटेंट वो है जो आप सोशल मीडिया की मदद से दुनिया को देते हैं। आपको सोशल मीडिया पर अपने जुनून के बारे में बात करनी चाहिए और ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जिनका आपके जैसा पैशन हो। कहानियाँ एक बेहतर जरिया है अपने कंटेंट को पहचानने का। भरोसेमंद और मजेदार कहानियाँ सुनाए। खुद से पूछिए कि क्या मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, हॉकी या कुछ और भी, इनमें से मेरा सबसे बड़ा जुनून क्या है और क्या मैं इस विषय का सबसे अच्छा ब्लॉगर बन सकता हूँ। दोनों का जवाब हाँ होना चाहिए। जिस पैमाने पर आप अपने पैशन से कमाना शुरू कर सकते हैं उस पर बहुत सी चीज का असर पड़ता है। आपकी मार्केट, आपकी जगह का साइज, सबसे जरूरी क्या है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। खुद को जाने, सही माध्यम चुने, सही विषय चुने, कमाल का कंटेंट बनाएं और आप खुश रहकर बहुत सा पैसा बना सकते हैं। अपना मंच, प्लेटफॉर्म चुने। असल में लेखक का ट्विटर के लिए एक खास जुनून है।
अगर आपको कोई रिट्वीट करता है तो वो दुनिया को एक मैसेज भेज रहे हैं कि उनको लगता है कि आप ध्यान देने लायक है। आज तक का सबसे अच्छा बिजनेस ट्वीट है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप प्रतिक्रिया देखकर हैरान हो जाएंगे। आप अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के बिजनेस में हैं। ये कभी मत भूलिए। स्वाभाविक रियल रहे। ऑनलाइन खुद को दिखाने के लिए 3 प्रमुख मूल्यों की जरूरत है। क्रश इट हिंदी, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब है कि आप कोई भी फैसला ले या जो भी सोशल मीडिया पर डाले उसमें आपके बिजनेस की झलक होनी चाहिए। उद्यम हसल, अगर आप लंबे वक्त तक दूसरे से ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप सबसे ऊपर आएंगे। धैर्य, पेशेंस, इसमें वक्त लगेगा, सब्र करें, ये रातों रात नहीं होगा। आपको अपना जुनून जीना होगा। एक बिजनेस को स्क्रिप्ट की तरह नहीं, मैराथन की तरह बनाने की सोचें। आप जो भी करें उससे प्यार करें, यही तरीका है जिससे आप उसे करते चले जाएंगे। और अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जिससे आपको प्यार था। समुदाय, कम्युनिटी बनाएं। असली बनने का हिस्सा है एक कम्युनिटी बनाना जो आपको सहारा दे। एक कम्युनिटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसी में आपकी सबसे ज्यादा मेहनत और वक्त लगेगा और इसी से आपकी सबसे ज्यादा सफलता बनेगी। अपनी कम्युनिटी बनाने के कुछ तरीके। दूसरे लोगों के ब्लॉग पर कमेंट करें। जो लोग आपको रिप्लाई करें उन्हें वापस कमेंट करें। बातचीत होने दें। जब भी आप अपने कंटेंट से वापस जुड़ पाए जुड़े। क्वालिटी से भरपूर बातचीत करें। प्रासंगिक, रेलेवेंट और गुणवत्ता क्वालिटी कंटेंट रखें। कॉन्वर्सेशन और कम्युनिटी की क्वालिटी ही है जो मायने रखती है, ना कि नंबर्स। सिर्फ पैसे से ज्यादा। क्रश इट इंग्लिश। आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि पैसे को। यही लोग बार बार मात खाते हैं। ध्यान रहे कि आप जो भी करें उससे प्यार करें, फिर खुद से पूछें कि क्या ये आपके लिए पैसा बनाएगा और सबसे जरूरी, क्या आप जिस तरीके से पैसा बनाएंगे उसमें आपको गर्व होगा। ये समझना भी जरूरी है कि इंटरनेट माफ नहीं करता है। आप जो भी सोशल मीडिया या इंटरनेट पर पोस्ट करेंगे, एक तरह से वो डायरेक्ट पब्लिक तक जाएगा। खुद की जांच करें, जब भी लोगों से इंटरेक्ट करें हमेशा ख्याल रखें। आप नहीं जानते वो कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। आपके इरादे अच्छे हो सकते हैं पर गलत समझ लेना बहुत आसान है। जब बड़े बिजनेस का फैसले ले रहे हो हमेशा इसे ठीक से सोचे। कभी जल्दबाजी में फैसले ना ले जिनका आपको पछतावा हो। हमेशा बड़ी पिक्चर को देखे। गैरी कहते हैं, अगर आप इससे कोई मैसेज लेना चाहते हैं तो वो है कि असली फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल सफलता और इन सबसे ऊपर अपने परिवार को प्यार करने, कड़ी मेहनत करें और अपने पैशन को जिए। गैरी के स्टेप्स आपके पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। डॉट, आपका जुनून क्या है इसका पता लगाएं। डॉट, अच्छा खासा ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट कंटेंट तैयार रखें, लगभग 50 टॉपिक्स तैयार रखें। डॉट, ध्यान रहे कि आप अपने जुनून के बारे में हर किसी से बेहतर बात कर सके। डॉट, आपको अपने पर्सनल ब्रांड को नाम देने की जरूरत है, चाहे आप उस नाम को ब्रॉडकास्ट करें या नहीं। डॉट, अपना डोमेन नेम खरीदे। डॉट, तय करें कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप सबसे अच्छे हैं, वीडियो, ऑडियो या लिखित शब्द। डॉट, एक ब्लॉग शुरू करें। डॉट, डिजाइन में किसी की मदद ले। डॉट, कोई ऐसी जगह हो जहां लोग आपसे संपर्क कर सके और अपने साथ बिजनेस करने के लिए आपको आमंत्रित कर सके। डॉट, एक फेसबुक फैन पेज बनाएं। डॉट, किन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना कंटेंट ब्रॉडकास्ट करेंगे ये चुनें, हमेशा ट्विटर और फेसबुक को चुनें, बाकी आपकी मर्जी है। डॉट, बहुत पोस्ट करें। डॉट, कम्युनिटी बिल्ड करने पर काम करें, ब्लॉग्स पर कॉमेंट करें, फोरम्स में हिस्सा लें। डॉट, ट्विटर पर आपके विषय के बारे में बात करते हुए यूजर्स को ढूंढें, उन तक पहुंचे और बातचीत शुरू करें। डॉट, इसी तरह अपने विषय जैसे ब्लॉग ढूंढें और कम्युनिटी बनाएं। डॉट, सभी रेलेवेंट फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स को ढूंढें और सबको ज्वाइन करें। डॉट, एक बार आपकी कम्युनिटी बन गई और आपका पर्सनल ब्रांड लोगों तक पहुंच रहा है तो एडवर्टाइजर्स तक पहुंचे ताकि पैसा बनाना शुरू कर सके। डॉट, इस सफर का मजा ले। महत्वपूर्ण परिणाम की टेकअवेज। आपको किसी चीज को बिजनेस में बदलने के लिए उसके लिए सच में पैशनेट होना होगा। अपने जुनून को पहचाने, तय करें कि आपका कंटेंट क्या होगा, तय करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। जो लोग आप जैसा पैशन रखते हैं उन तक पहुंचकर अपना कम्युनिटी बनाए, क्वालिटी बातचीत और रेलेवेंट टॉपिक बनाए। जब तक आप काफी लोगों तक ना पहुंच जाए तब तक लगे रहे, तब आप अपने कंटेंट को पैसे में बदलने की कोशिश कर सकते हैं।
अपने जुनून के लिए जीने और सांस लेने की चाहत रखें, आपको इसे बिजनेस में बदलने के लिए बहुत वक्त और कड़ी मेहनत देनी होगी। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।